हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, तो परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो गुनगुन का ये जो भाई है, ये सच में गुनगुन का भाई है? अरे भाई, मुझे तो लगता है तुम गुनगुन के भाई नहीं हो, तुम दिल्ली के भाई हो। मतलब दिल्ली में गुंडे जैसे होते हैं ना, वैसे ही हो तुम। जैसे मुंबई का डॉन, वैसे तुम गुंडे हो दिल्ली के। क्योंकि तुम एक लड़की के भाई तो मुझे नहीं लगे, वो तुमसे बहुत ही शरीफ है भाई। तुम खुल्लम खुल्ला एकदम चैलेंज, तुम एकदम खुल्लम खुल्ला उसको चेतावनी दे रहे हो कि अगर तुम समर के पास नहीं गई, तुम ध्रुव को नहीं छोड़ी, अगर तुम ध्रुव से डिवोर्स नहीं ली, तो मैं ध्रुव को देखना क्या करूंगा 3-4 दिन में। ये क्या बात होती है बाबा? तुम तो एकदम सरासर गुंडेबाजी में उतर आए हो। समझ में नहीं आता कि मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं, गुंडा बुलाओ, साइको बुलाओ, या तुमको मैं क्या बोला हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, ये इसका भाई इतना भयंकर सा है, इसे तो हर किसी को अपने से दूर रखना चाहिए। अरे अंकित, सुधर जाओ। अगर ऐसे ही तुम्हारा रवैया रहेगा ना, तुमको कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो ऐसे ही पड़े रह जाओगे। और तुम जो ये उसको इतना बोल रहे हो कि हाँ समर के पास चली जाओ, पहले तो तुमको समर से भी प्रॉब्लम थी। वो समर के साथ घूमती थी तब प्रॉब्लम थी, शादी की तब प्रॉब्लम थी, सर उस समर का सर फोड़ दे रहे हो, ये कर दे रहे हो, मतलब नतीजा करके रखे थे। और अभी वो ध्रुव के साथ खुश है, तो तुमको ये चीज़ भी हजम नहीं हो रहा है। मतलब तुमको क्या लगता है वो उसको क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर में बैठ जाए? और तुम्हारे घर में क्या बैठेगी? तुम्हारे माँ बाप तो पिंड दान करके बैठे हुए हैं, और तुम भी इतने दिन तो गायब थे। अभी अचानक से ध्रुव से शादी होने वाली है, ध्रुव से शादी हो गई, तब तुम उसके शादी वाले दिन से उसका नतीजा करना चालू कर दिए। ये क्या हरकत है, ये क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आती। अपना अपना देखो ना यार, वो अपने संसार में खुश हो रही है, अपने आप को वो रेडी की है शादी करने के लिए, शादी कर ली है। अभी वो अपने संसार में इतने अच्छे से है, अपने पति से इतना प्यार, सासुर प्यार मिल रहा है, और तुमको ये सब क्या देखा नहीं जा रहा है? तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हारे तरह ही बन जाए गुंडी मवाली, ताकि उसको और भी कोई लड़का मिले ना, ध्रुव भी छोड़ दे? बाप रे, तुमसे तो सच में तुमसे तो इंसान हार जाए। तुम ऐसे इंसान हो, एकदम गुंडे दरिंदे हो तुम, गुंडे दरिंदे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है? और ज़्यादा मैं लंबा करूँगी तो फिर मैं उसको और भी गालियाँ देती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।